हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय वीडियोस ऑन साइंस फॉर क्लास 9 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1, जिसका टाइटल है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, तो इस चैप्टर के टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस इस टॉपिक के साथ ही आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ए 300 केल्विन एंड बी 573 केल्विन। नाउ द फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग केल्विन इनटू सेल्सियस इज सी इज इक्वल टू के माइनस 273। तो अगर हम ये फिगर्स को पुट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, द आंसर विल बी सी इज इक्वल टू 300 माइनस 273 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। एंड फॉर बी, सी इज इक्वल टू 573 माइनस 273 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। सो दिस वाज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। What is the physical state of water at 250 degree Celsius and 100 degree Celsius? Now at 250 degree Celsius, the water evaporates and converts into vapor. अगर हम water को 250 degree Celsius तक heat up कर देते हैं, तो वो evaporate होकर के vapor में convert हो जाता है। अगर water का temperature 100 degree Celsius है, तो वो अभी अपनी liquid state में ही रहता है। Now come on to question number 3. For any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? किसी भी सब्सटेंस के लिए जब हम उसकी टेम्परेचर उसको प्रोवाइड कराते हैं, उसको हीट अप करते हैं, तो जब तक उस सब्सटेंस का स्टेट चेंज नहीं होता है, तब तक उसका टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट रहता है, यानी कि टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं करता है। इसका क्या कारण है? द आंसर इज During the change of state, heat is used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles of the substance. यानी कि जब हम किसी substance को heat देते हैं उसकी state change करने के लिए, तो जब उसको हम heat दे रहे हैं, तो जितनी भी heat उसको दी है वो कहाँ पे consume हो जाती है? वो consume हो जाती है उस substance के particles के बीच में जो force of attraction होता है, उसको ओवरकम यानी कि उसको तोड़ने के काम आ जाती है। इस कारण से जो भी हमने उसको हीट दी है, वो सारी की सारी हीट वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस कारण से उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ता है। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमोस्फेरिक गैसेस। एटमोस्फेरिक गैसेस को हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं? द एटमोस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड By applying pressure and reducing temperature. Atmospheric gases को हम pressure apply करके और उनका temperature को reduce करके liquefy कर सकते हैं। So friends, this way I discuss these four questions which have been given with the topic effects of change of pressure. मैं समझता हूँ कि ये जो answer मैंने आपको बताए हैं, ये आपके लिए काफी useful रहे होंगे। आगे के chapter को पढ़ने के लिए आप मेरी videos को देखते रहें। Thanks a lot. God bless you.